बिलासपुर शहर में नियमों को ताक पर रखकर बिना परमिट चल रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के कारण ठप हुए व्यवसाय से गुस्साए द बिलासपुर ऑटो रिक्शा यूनियन ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूनियन के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता प्रवेश चंदेल व यूनियन के प्रधान महमूद रफी ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बिलासपुर शहर में बिना परमिट के 8 बसों को चलाया जा रहा है। इन बसों में रूट कहीं के हैं और वे चल कहीं रही है, जबकि इनको बाया अस्पताल चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार ई टैक्सी को लक्ष्मी नारायण मंदिर से चलाने की परमिशन मिली है, लेकिन इसे बस अड्डे से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन बसों के कारण 200 ऑटो रिक्शा चालकों का कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऑटो रिक्शा यूनियन जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए किराए के अनुरूप ही पैसे ले रही है और यदि 3 सवारियां हो तो प्रत्येक सवारी से अस्पताल तक के 10 रुपए लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पेट्रोल व डीजल के दामों के अतिरिक्त कल पुर्जों व टैक्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बैंकों से ऋण लेकर ऑटो चलाने वाले इन लोगों का काम प्रभावित होने के कारण ये लोग अब बैंक की किश्तें तक नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक तरफ तो सरकार स्वरोजगार की बात करती है और दूसरी तरफ नियमों को ताक पर रख के बसें चलाकर ऑटो रिक्शा संचालकों के कारोबार को छीनने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूनियन ने इस बारे में 2 बार सदर विधायक व जिला प्रशासन को लिखकर अपना दुखड़ा सुना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण यूनियन को मजबूरी में नियमों को ताक पर रखकर चल रही इन बसों को रोकने का निर्णय लेना पड़ा। जो बसें HRTC ने जो लगा रखी है अवैध रूप से, जो रूट की बसें हैं जो बाय हॉस्पिटल ले रहे हैं, वो उनके रोकने के लिए हमने जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब आज हम DC के पास भी इस ज्ञापन को लेके जाएंगे और SP के पास भी लेके जाएंगे। तो पहले भी हम 2-3 बार DC साहब से मांग कर चुके हैं और विधायक के पास भी 3-4 विधायक के पास भी जाके आए हैं, पर इस पे हमारा कोई भी जो भी है मतलब कोई हमारे पर कार्रवाई नहीं की गई। इन बसों के बारे कोई कार्रवाई नहीं की, तो आज हम DC के पास जा रहे हैं ज्ञापन लेके और DC साहब को 2 दिन का अल्टीमेट देंगे। अगर ये इन बसों पर कार्रवाई करते हैं तब ठीक है, वरना हम 2 दिन के बाद अपना आंदोलन शुरू कर देंगे।